पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। आज उस खतरे से सावधान करना है आपको जो दिखता नहीं है, सामने से वार नहीं करता है, मगर हमारे देश का नुकसान कर सकता है। पाकिस्तान तो अब साइबर वॉर की तैयारी कर रहा है, अपने अफसरों को ट्रेनिंग भी दिला दी है। एक सेकंड में 26,000 हमले किसने किए और क्या हमारे पास इनसे निपटने का साइबर डोम मौजूद है? आज एक्सक्लूसिव में साइबर अटैक की सॉलिड इन्वेस्टिगेशन। झारखंड के मुख्यमंत्री इन दिनों अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। विधायकों की मीटिंग बुलाई, खड़ाऊ सरकार की थ्योरी निकाली, लेकिन जनता की याद किसी को नहीं आई। गरीबों को महीने भर से राशन नहीं मिला, सीएम साहब बिजी हैं, मंत्री सुनते नहीं, कॉलिंग कार्ड में सरकार को कर्तव्य पथ याद दिलाएंगे। आज बात बिहार सरकार की भी करेंगे। एक साल में बिहार में नौकरियों की बहार आ गई, 4 लाख नौकरियां लग गई परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट को मिलाकर। नौकरी के मामले में क्या बिहार मॉडल दूसरे राज्यों को भी फॉलो करना चाहिए, है ना कीमती बात। ये वह विकास का नया मॉडल मुंबई में भी नजर आएगा। मुंबई में गोवा जाने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, नया सी लिंक आपके लिए तैयार हो गया है, बस इनॉग्रेशन का इंतजार है, 12 जनवरी को वो भी हो जाएगी। 10 घंटे का सफर 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। शुरुआत पाकिस्तान की साइबर अटैक वाली साजिश से करनी थी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सोमालिया ऑपरेशन को लेकर आ रही है। क्या है वो बड़ी खबर? सोमालिया में इंडियन नेवी कमांडोज ने ऑपरेशन का पहला वीडियो जो था वो जारी कर दिया है। वो वीडियो आ गया है, हाईजैक किए गए शिप को समुद्री लुटेरों से इंडियन नेवी कमांडोज ने आजाद करवा लिया, छुड़ा लिया है, लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। पहली बार इंडियन नेवीज के मार्कोस कमांडोज ने सोमालिया जाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। शिप में 15 भारतीयों समेत 21 लोग सवार थे। मार्कोस कमांडोज ने सभी का सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया। पिछले कई दिनों से लाल सागर में समुद्री लुटेरों का आतंक बढ़ा है, ड्रोन और मिसाइल से हमले करके समुद्र में जहाजों को लूटा जा रहा है, और जिन देशों के जहाज होते हैं उनसे नेगोशिएशंस की साजिश रची जाती है। कहा जा रहा है कि इजराइल पर, जब से इजराइल ने गाजा पर हमले शुरू किए हैं, समुद्र के इस आतंकी हमलों और आतंकी घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। बहुत से देशों ने इन घटनाओं से बचने के लिए, या ये कह दें कि इन घटनाओं से तंग आकर, अपने जहाजों को अफ्रीका के लंबे रास्ते से यूरोप और अमेरिका भेजना शुरू कर दिया है। नेवी कमांडोज ने जिस शिप को लुटेरों से आजाद करवाया है वो लाइबेरिया का है, लेकिन इसमें क्रू मेंबर्स जितने भी सवार थे उनकी संख्या 21 बताई जा रही है और इनमें 15 भारतीय थे। इसीलिए इंडियन नेवी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सामने हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को समुद्र के बीच में इंडियन नेवीज के कमांडोज ने अंजाम दिया। आशीष, क्या डिटेल है आपके पास? पूरी तस्वीरें भी आ गई हैं अब तो? बिल्कुल, वीडियो के जरिए हम दर्शकों को बताएंगे, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन वीडियो है। और ये वीडियो, इससे पहले कि मैं डिस्क्रिप्शन में जाऊं, MQ-9B प्रिडेटर ड्रोन से लिए गए हैं। ये देखिए, ये है मर्चेंट वेसल लाइला नॉर्फलॉक, और ये देखिए एग्जैक्टली ये इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज जेमिनी बोट में उस मर्चेंट वेसल की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा वीडियो में आपको दिखाई देगा किस तरह से उस मोमेंट में जब इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज, ये देखिए ये जो मर्चेंट वेसल है, जो बड़ा समुद्री जहाज है, उसके एक एक फ्लोर पर बोर्डिंग प्रोसेस जिसे कहते हैं मार्कोस, किस तरह से इंडियन नेवी के शिप के एक एक फ्लोर पर इसे प्ले करते हैं। ये देखिए, यहां पर मार्कोस है, यहां पर मार्कोस है, यहां पर मार्कोस है, बहुत सटीकता के साथ में एक एक करके जाना होता है। ऐसा नहीं कि आप चले, दरवाजा खोले, फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, थर्ड फ्लोर पे चले गए, वहां पायलट हो सकते हैं, बूबी ट्रैप्स हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। और इसीलिए इस तरह से बहुत सटीकता से इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज मर्चेंट वेसल लाइला नॉर्फलॉक की तरफ बढ़े, जहां पर 21 क्रू मेंबर्स थे। याद रखिएगा, अब उन्हें बचा लिया गया है, लेकिन अब तक उन्हें नहीं पता था लगभग घंटे भर पहले तक कि उन क्रू मेंबर्स के साथ में सोमाली पायलट्स हैं या फिर नहीं है। लेकिन इसीलिए सावधानी से बोर्डिंग करने के बाद में, चढ़ने के बाद में इस मर्चेंट वेसल पर मार्कोस कमांडोज ने मूवमेंट बताइए, देखिए मूवमेंट देखिए, थोड़ा और छोटा कीजिए इसको, विजुअल को अब प्ले कीजिए,
अब ये बताइए देखिए किस तरह से प्ले कीजिए इसको। एग्जैक्टली देखिए ये मर्चेंट वेसल जो बड़ा जहाज है, एक दो तीन चार, चार जगहों पर आपको इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज दिख रहे हैं और ये हर जगह पर आपको पैर में दिखाई देंगे जोड़ी में, ताकि आगे कौन आ रहा है पीछे से कोई वार न कर दे। सोमाली पायलट्स के पास रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, AK-47 होता है, हैंड ग्रेनेड्स होता है, और इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करके वो आगे बढ़ रहे थे। तो इस तरह से सीक्वेंस में पहले मार्कोस कमांडोज देखे जोगिंदर प्रसाद जी के ठीक बगल से। बताइए आप दर्शकों को कि ये कब हाईजैक हुआ था और किस तरह से इस ऑपरेशन को इंडियन आर्मी ने या इंडियन नेवी ने माना कि अंजाम देना है। ये कल दोपहर को ये मर्चेंट वेसल हाईजैक हुआ था अरब सागर से थोड़े से पश्चिम की तरफ में, यानी कि गल्फ ऑफ एडन की तरफ, और उसके बाद में जो सोमाली पायलट्स हैं लगातार इसे सोमालिया की तरफ लेकर जा रहे थे। ये पहली बार, एटलीस्ट रीसेंट हिस्ट्री में आप देखेंगे, पहली बार इस तरह का ऑपरेशन हुआ है जब इंडियन नेवी ने सोमालिया के वाटर्स के ठीक बाहर इंटरनेशनल वाटर्स में जाकर एक हाईजैक हुए शिप पर वो चढ़े और साथ ही साथ सभी के सभी बंदरों को उन्होंने जिंदा छुड़ा लिया। मैं ऐसी कई कहानियां जानता हूं जो पिछले 12-14 सालों में हुई है कि अभी तक लोग सोमालियन पायरेट्स की गिरफ्त से बाहर नहीं आ पाए हैं। ये बहुत ही डेयरिंग ऑपरेशन है। MQ-9 भी प्रेडेटर ड्रोन से ये विजुअल्स लिए गए हैं। INS चेन्नई वहां पर डिप्लॉय था, हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय किए गए थे, उसके बाद में इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया गया आज शाम को लगभग 7:30-8 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े विस्तार से दर्शकों को बताया आशीष, थैंक यू वेरी मच। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, सिक्योरिटी के साथ अब इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। अगर देश का आर्थिक तंत्र गड़बड़ होने लगे, उस पर हमले होने लगे, तो फिर ना आप सुरक्षित होंगे और ना आपका बैंक अकाउंट। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ युद्ध का तरीका बदल लिया है। आपको ये सजग होना पड़ेगा। अब वो बॉर्डर पर आतंकी भेजने के साथ साथ अपने आर्मी ऑफिसर्स को साइबर अटैक्स की ट्रेनिंग दिलवा रहा है ना चौंकाने वाली बात, जिससे भारत सरकार और सरकार के साथ काम करने वाली कंपनियों की साइट्स को हैक किया जा सके, उन्हें बंद किया जा सके, लाखों करोड़ों का नुकसान किया जा सके, आपके काम रुक जाएंगे। पाकिस्तान के इसी प्लान का खुलासा करने वाली हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नौ और 10 सितंबर 2023, वो तारीख जब G20 के जरिए भारत की डिप्लोमेसी का ढंका दुनिया में बज रहा था। हिंदुस्तान की लीडरशिप का लोहा बड़े बड़े नेता मान रहे थे। अमेरिका और रूस दोनों हमारी बात सुन रहे थे। उसी दौरान हमारे दुश्मन मुल्क इस इवेंट को खराब करने की हर मिनट हर घंटे लाखों करोड़ों कोशिशें कर रहे थे। अब आमने सामने की लड़ाई तो कर नहीं सकते, इसलिए कंप्यूटर के जरिए भारत को कमजोर करने की साजिश थी, खास तौर से पाकिस्तान की। एक मिनट में 16 लाख साइबर अटैक, एक सेकंड में 26,000 साइबर हमले, ये जानकारी खुद सरकार ने शेयर की है। लेकिन इन साइबर अटैक्स के खिलाफ हमारा डिजिटल डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत था। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ हाउ मेनी बैंक्स, हाउ मेनी अटैक्स हैव टेकन प्लेस अगेंस्ट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, परहैप्स आई थिंक सर्टेन विल बी अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन टू आंसर दैट, बट आई कैन टेल यू दैट इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। In fact, even scanning is a kind of a cyber security incident as per classification, and that runs into lags. I mean, it doesn't get converted into a breach, but there are efforts are ongoing every minute. There are hundreds and thousands of efforts which are made from across the country, across the world, on the government infrastructure. In fact, during G20, if you can, G20 in 1 minute, on the G20 website, on the day of the summit, we had around how many... 16 लाख अटैक्स कमिंग। यहीं से देश हित में पब्लिक इंटरेस्ट का सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान ने अपने फौजियों को बंदूक की बजाय साइबर अटैक सिखाने शुरू कर दिए? क्या पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बड़े बड़े अफसरों की एक स्पेशल साइबर टीम तैयार हुई है? क्या पाकिस्तान के साथ दूसरे मुल्क भी इस साजिश में जुड़े हुए हैं? इस रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले इन तस्वीरों पर, इन एक्सक्लूसिव लेटर्स पर गौर कीजिए। आधे सवालों के जवाब यही मिल जाएंगे।
24 दिसंबर 2022 का ये लेटर बेहद कॉन्फिडेंशियल है, मगर लिखा किसे गया है? कमांडर मोहम्मद नदीम इलियासी, डायरेक्टर नेवल इंटेलिजेंस, नेवल हेडक्वार्टर्स, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। पाकिस्तान नेवी के कमांडर को ये लेटर इटली की प्राइवेट कंपनी इलेक्ट्रॉनिका ग्रुप की तरफ से लिखा गया। अगला सवाल कि लेटर क्यों लिखा, तो पता चला कि ये कंपनी की तरफ से पाकिस्तान नेवी के अफसरों को जवाबी चिट्ठी थी, जिसमें लिखा गया है, हमारी कंपनी पाकिस्तान के अफसरों को ISO, एंड्रॉइड और विंडोज सिस्टम के लिए मालवेयर अटैक यानी साइबर अटैक की ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। दरअसल 7 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान नेवी ने साइबर अटैक वाली ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट भेजी थी, जवाब 17 दिन बाद आया, जिसमें बताया गया कि अफसरों को कोर्स सिखा देंगे। कोर्स का नाम था मालवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोर्स। अब इस चिट्ठी के दूसरे पन्ने पर आ जाइए, इसमें कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से कहा गया कि पहले एक मीटिंग हो जाए, फिर कोर्स की डेट फाइनल कर लेंगे। मीटिंग की तारीख थी 12 या 13 फरवरी या फिर 23 से 27 जनवरी 2023 के बीच। आखिर में कंपनी के उस अधिकारी के साइन जो पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया का काम देखता है। अब मोटे तौर पर 2-3 बातें क्लियर हुई हैं। पहला ये, पाकिस्तान के अफसर साइबर अटैक की ट्रेनिंग सीखना चाह रहे थे। पाकिस्तान की नेवी ने बकायदा इटली की कंपनी में इसके लिए लेटर लिखा। कंपनी ने पाकिस्तान के अफसरों से मिलने की मीटिंग फिक्स की। सवाल है, पाकिस्तान का प्लान आखिर है क्या? वो भारत के खिलाफ करना क्या चाहता है? दरअसल पाकिस्तान की रणनीति रही है मेक इंडिया ब्लीड विद 1000 cuts, जिसका मतलब है कि हजारों वार कर भारत का खून बहाओ। उसी रणनीति पर काम करते हुए पाकिस्तानी सेना ने अब जल थल नभ के साथ साथ साइबर क्षेत्र में भी भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में आशीष की आगे की पड़ताल और भी चौंकाने वाली है। अब तक तो सिर्फ मीटिंग की डेट सामने आई थी, अब तो साइबर हमले वाले कोर्स की तारीख और ट्रेनिंग लेने वाले उन अफसरों की पूरी जानकारी भी ABP न्यूज के पास आ गई है। इस्लामाबाद से करीब 8000 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट फैसिलिटी पाकिस्तान के अफसरों का इंतजार कर रही थी। ये उसी जगह की तस्वीरें हैं। साइबर अटैक की ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी, कितनी देर तक होगी, कौन कौन से लेक्चर होंगे, क्या स्पेसिफिकेशन सिखाए जाएंगे और कैसे एक साथ सबके रुकने का इंतजाम होगा, ये सब कुछ 2 डॉक्यूमेंट्स में मौजूद था। कंपनी की वेलकम गाइड और दूसरा दस्तावेज था साइबर एडवांस्ड ट्रेनिंग कोर्स कंटेंट वाला। जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक कोर्स डिजाइन किया गया। 13 हफ्तों का ये प्रोग्राम CY4 गेट ट्रेनिंग लेबोरेटरीज में चला। 6 घंटे तक थ्योरी और लैब टेस्ट का डेमो दिया गया। अब सवाल था कि पाकिस्तानी अफसरों ने कौन कौन से पैटर्न सीखे ताकि वो साइबर वर्ल्ड में हैकिंग के उस्ताद बन सके। इन बेहद कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि किस तरह से पाकिस्तानी नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से किल चेन कॉन्सेप्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाए, यानी कि कैसे एंटीवायरस को बाईपास किया जाए, साथ ही साथ कैसे किसी सिस्टम में या फिर वेबसाइट में घुसकर अपना मालवेयर छोड़ा जाए। आमतौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पास साइबर एक्सपर्ट्स की टीमें होती हैं, हर रैंक के अफसर होते हैं, लेकिन इटली में साइबर हमले वाला ये प्रोग्राम सिर्फ चुनिंदा अफसरों को ही सिखाया गया। पाकिस्तान के 10 अफसरों को 2 महीने की ट्रेनिंग दी गई। इनमें 7 मेजर, 2 लेफ्टिनेंट कर्नल और 1 कर्नल रैंक का अफसर था। पाकिस्तान के इन सभी अफसरों को रोम के रेजिडेंस अडागियो होटल में रुकवाया गया। अब इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तानी नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स अपनी साइबर वॉरफेयर की ट्रेनिंग इटली से खत्म करके इस्लामाबाद पहुंचे, भारत में फिशिंग अटैक्स का ग्राफ लगातार बढ़ता गया। मई से लेकर सितंबर तक लगातार कई साइबर अटैक्स हुए। 16 मई 2023 को पाकिस्तान के हैकिंग ग्रुप ने दावा किया कि उसने पुलिस विभाग की 23 वेबसाइट्स पर अटैक किया। ये वेबसाइट्स केरल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कोलकाता, जम्मू कश्मीर और बेंगलुरु पुलिस की थी। जून 2023 में दिल्ली के एम्स में साइबर अटैक हुआ, हालांकि वक्त रहते इसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया।
26 जनवरी 2023 को पाकिस्तान की तरफ से इंडियन आर्मी और एजुकेशन सेक्टर पर साइबर अटैक की कोशिश की गई। 8 सितंबर यानी G20 समिट से एक दिन पहले पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत सरकार की वेबसाइट्स को निशाना बनाया। हैकर्स ने DDoS और मास डिफेसमेंट अटैक्स वाला प्लान बनाया, लेकिन एंटीवायरस को भेद नहीं पाए। तकरीबन नवंबर में ये साइबर अटैक्स जो हुए हैं वो 278% एक्स्ट्रा हुए हैं। पाकिस्तान का इरादा बहुत ही खतरनाक है और उसके लिए हमें क्वांटम टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिका कंपनी जो है ये बहुत ही खतरनाक है। ये हमारे दूसरे पड़ोसी देश को यानी कि चीन को इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गेन करने के लिए भी मदद कर रही है। अब सवाल है कि ऐसे साइबर अटैक से पाकिस्तान को हासिल क्या होगा, क्योंकि उसे कुछ मिलना तो है नहीं। पाकिस्तानी रिजर्व वैसे भी काफी कम है। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान इंडिया के कंप्यूटर नेटवर्क्स और साइबर सिक्योरिटी को इस तरह कमजोर करना चाहता है जिससे भारत को हर घंटे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता रहे। आमतौर पर जब भी साइबर अटैक्स होते हैं तो कई कंपनियां लोगों को इस साइबर अटैक्स के बारे में नहीं बताती हैं, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट वैल्यू खराब होने का रिस्क रहता है। ऐसे में ताकि लोगों को किसी भी तरह से अपने पैसों को असुरक्षित रहने की भावना न हो, कंपनियां लोगों से ये जानकारी छुपाती हैं और साइबर अटैक्स के हुए नुकसान को सह लेती हैं। उसके बाद काउंटर मेजर्स लिए जाते हैं। आज के डिजिटल जमाने में सब कुछ ऑनलाइन होता है। लोग जेब में पैसा भी नहीं रखते, प्लास्टिक मनी यानी कार्ड्स भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ मोबाइल फोन पर जो आ गया है। जाहिर है साइबर अटैक का खतरा और भी बड़ा है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि साइबर अटैक्स के कारण और इन क्राइम्स की वजह से देश को हर साल पता है आपको कितने लाख करोड़ का नुकसान होता है? 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये कितना बड़ा अमाउंट है। इसको सिर्फ एक नॉमिनल फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं देखा जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसकी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। लोन ऐप्स भी आए, लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया, पूरे का पूरा फैमिली सुसाइड कर ली, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब उसमें यदि हम क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करके उसको सिर्फ एक नॉर्मल फाइनेंशियल फ्रॉड का केस बनाएंगे IT एक्ट में, तो वो शायद सफिशिएंट नहीं होगा। इसके लिए बहुत सख्त सजा देने का प्रावधान होना चाहिए। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी पंजाब सरकार के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट हैक है। हैकर लिखता है, आपकी साइट फुल प्रूफ नहीं थी इसलिए हैक कर ली। साइबर हो या फिर वॉरफ्रंट, हर जगह सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए। इसराइल के पास आयरन डोम है, वो रॉकेट वाले हमले रोकता है, लेकिन जमाना बदल गया है। इसीलिए पूछना बनता है कि क्या भारत के पास आज के जमाने में कोई साइबर डोम है, कोई ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम जो साइबर अटैक्स को पहचाने, उन्हें पहले ही ब्लॉक कर दे, ये नहीं कि जब हो गया उसके बाद। गृह मंत्रालय ने बताया है कि करीब 3 लाख सिम, 2810 वेबसाइट, करीब 600 मोबाइल ऐप्स ब्लॉक किए गए हैं। इनमें साइबर अटैक और फ्रॉड की शिकायतें आ रही थी। लेकिन आपको क्या करना है, इस सारे साइबर अटैक से हमले से बचना कैसे है? गैर जरूरी ईमेल्स, फोन नंबर या मैसेज पर ध्यान नहीं देना, उन्हें फौरन ब्लॉक कर दें। अगर साइबर फ्रॉड का अटैक हो जाए तो तुरंत cybercrime.gov.in पर शिकायत करें या फिर 1930 यानी 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। चलिए अब बिहार चलते हैं। क्या 3 महीने में बिहार सरकार ने नौकरियों का रिकॉर्ड बना दिया? क्या बिहार के युवाओं का वो सपना पूरा हो रहा है जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने 16 महीने पहले दिखाया था? 10 लाख नौकरियां देने का सपना नेगेटिव चीजों के लिए हाईलाइट होने वाला बिहार रोजगार के मामले में पॉजिटिव कैसे बना? खबर सीधा आपसे जुड़ी हुई है, पब्लिक इंटरेस्ट की है, इसीलिए इसे दिखाना तो बनता है।
राजकुमार से मिलिए। बिहार के छपरा के रहने वाले हैं, बीपीएससी में नौकरी मिल जाए इसके लिए दिन रात एक किए हैं। प्रक्रिया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, रोजगार तो मिल रहा है, सभी को मिल रहा है रोजगार यहाँ पे बिहार में, सरकार अच्छा चल रहा है। बस हम लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। नौकरी की उम्मीद तो कंपटीशन के छात्र ओम प्रकाश यादव को भी है, उम्मीद हो भी क्यों ना, यकीन है एक ना एक दिन कामयाबी से मुलाकात हो ही जाएगी। हम लोग तो बिहार में है, जनरल कंपटीशन है, बिहार द कंपटीशन का हब सब शुरू से ही माना जा रहा है, यहाँ सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेटिव छात्र रहते हैं। और बिहार सरकार अगर जो कहीं भी अगर नियुक्ति निकालती है, अगर जिसमें उस हो जाए वो समझिए हमारे लिए अच्छा ही है, स्थिति बहुत अच्छी है। बिहार के अजय कुमार का दिन शिक्षक भर्ती वाले एग्जाम की तैयारी में बीत रहा है। पिछली बार भी बीपीएससी दिया था लेकिन क्लियर नहीं हो पाया, इस बार फिर मैदान में। एग्जाम दिए भी है और फिर से तैयारी भी चल रही है, अब जो है पूरा ध्यान दिया जा रहा है रोजगार पे हो और जितना भी फील्ड है सब पे बराबर समान तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, बेहतर होने के कगार पे है, अब बेहतर हो भी रहा है धीरे धीरे, हमारे आसपास सभी जगह नौकरियां मिल रही है लोगों को, इतना देखा जा रहा है। इन युवाओं के यकीन के पीछे की वजह क्या है, क्यों लगता है कि बिहार में नौकरी की बहार आ रही है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली, साथ में तेजस्वी यादव ने डेप्यूटी सीएम का पदभार संभाला। शपथ लेते ही ऐलान कर दिया 2025 तक लाखों लोगों को रोजगार देंगे। सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा, जो कि स्थायी होगा, सरकारी होगा। ऐलान बड़ा था, जिम्मेदारी उससे भी ज्यादा बड़ी। सियासी गलियारों में तेजस्वी का मखौल उड़ाया गया, लेकिन एक साल में बिहार में बंपर नौकरियां मिली, नियुक्ति पत्र बंटने की तस्वीरें सामने आने लगी। सरकार बने 1 साल 4 महीने और 15 दिन बीत गए हैं, सवाल है कितने बेरोजगारों के घर खुशियां आई, एक साल में कितने ऐसे लोग हैं जो सिर उठाकर कह सकते हैं कि हाँ मेरी सरकारी नौकरी लग गई, और कितनों को मिलने वाली है। 13 जनवरी को बिहार सरकार बीपीएससी के दूसरे चरण में सिलेक्ट हुए 1,10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देगी। पटना के गांधी मैदान में खुद नीतीश कुमार 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, बाकी 85,000 नियुक्ति पत्र बांटने की जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई है। 1,20,000 वैकेंसी के लिए 7 से 15 दिसंबर तक दूसरे चरण की परीक्षा हुई थी। 2,30,000 सिर्फ शिक्षक की नियुक्ति की गई, दुनिया में कोई राज्य नहीं है, गूगल पर सर्च करके देख लो, बिहार ने पहला कर दिखाया। हर क्षेत्रों में बिहार की सरकार रोजगार देने के सवाल पर अपने पर्णों को, अपने कमिटमेंट को लागू कर रहे पर। चुनाव में किया वादा निभाया जा रहा है, बिहार की इमेज बदल रही है, 2.25 लाख शिक्षकों को नौकरी देने वाला बिहार दुनिया में टॉप पर है। 2 नवंबर 2023 को बिहार की महागठबंधन सरकार ने एक ही दिन में 1,12,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के पहले चरण में 1,40,000 से ज्यादा वैकेंसी निकाली गई थी, 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें से 1,12,000 ने एग्जाम क्लियर कर लिया। ये 16 महीने में दी गई नौकरियों का लेखा जोखा है, 2 महीने बाद बिहार में फिर मंच सज रहा है, नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, दावा है कि करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, कैबिनेट की मोहर लग चुकी है, लेकिन उसके लिए नियोजित शिक्षकों को एक परीक्षा देनी होगी, नियोजित शिक्षकों को 3 बार ये परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा, जो सफल होंगे उन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, मतलब नौकरी परमानेंट हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये युवाओं के लिए काफी अच्छा साइन है और उन्हें और भी मेहनत करनी चाहिए और अच्छा मौका है कि वो जल्द से जल्द अपने लिए एक नौकरी पक्की कर लें। जो उन्होंने वादे किए थे कि युवाओं को नौकरियां देंगे और जो बेरोजगारी की जो समस्या है इस पर कुछ काम किया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर काम तो किया जा रहा है। इसी साल लोकसभा चुनाव है, बिहार में रोजगार
एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम लोग युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। इसी के साथ केंद्र पर भी हमले जारी है। अच्छा, बिहार में तो नौकरी की बहार है, लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के दूसरे राज्यों की नौकरी वाली बैलेंस शीट कैसी है? कहां कितने लोगों को रोजगार मिला? उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि पिछले 6 साल में 6 लाख लोगों को वहां नौकरी दी गई। यूपी में 16 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में कुल 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, यानी इनमें 2 लाख परमानेंट हैं और बाकी कॉन्ट्रैक्ट पर। अगर बिहार की तुलना करें इनसे तो बिहार में कुल हिमाचल के कर्मचारियों से भी ज़्यादा लोगों को 1.5 साल में नौकरी दे दी। पंजाब में 5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, 70,000 कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और करीब 60,000 आउटसोर्स किए हुए। अगर इस आंकड़े को भी देखें तो बिहार देखिए आप कितना आगे निकल गया है नौकरी देने के मामले में। एमपी में अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने 2.5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन दी सिर्फ 50,000। खास बात यह है कि इस दौरान राज्य के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ही थे जो अब सीएम है। पूरे देश की बेरोजगारी दर की बात करें तो वो 8.6% है। हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ ही या हजारों का ही हो पाता है। बाकी फिर अपनी जिंदगी रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की तरह, यानी जीरो से दोबारा शुरू करते हैं। कुछ कामयाब हो जाते हैं, कई बेरोजगारी के तौर पर ही धक्के खाते रहते हैं। इस सिस्टम को बदलना होगा। देश में टीचर्स के 8 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्तियां उस हिसाब से निकलती नहीं। नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन भी होते हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है, सरकार का इंटरेस्ट सिर्फ चुनाव में नहीं होना चाहिए, बेरोजगारी दूर करने में भी होना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए बेरोजगारी आज की घड़ी बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए अब बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि झारखंड से पहले ही पूरा अनाज भेज दिया गया है, लेकिन क्या झारखंड में अनाज मिल रहा है? अगर हेमंत सोरेन अपने मुख्यमंत्री पद को बचाने के लिए अपना प्लान बी तैयार कर रहे हैं, तो फिर क्या वहां के गरीब लोगों को वहां पर अनाज मिला या नहीं मिला? इस महीने का अनाज आखिरकार क्यों झारखंड के लोगों को नहीं मिल रहा, और खासकर उन लोगों को जिन लोगों ने बीपीएल कार्ड में अपने आप को शामिल कर रखा है? वजह क्या है? वजह यह है कि वहां पर डिपू होल्डर्स हड़ताल पर चले गए हैं कमीशन को लेकर, और मंत्री और मुख्यमंत्री बिजी हैं कि कैसे सरकार को बचाकर नया मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसे में गरीब की सुध कोई नहीं लोगा, तो पब्लिक इंटरेस्ट में हम गरीब के दरवाजे पर पहुंच गए कि आखिर वो क्यों भूखा है। कैसे खाएंगे? मारे भात नहीं खाएंगे, ताला बंद है अब का है। लक्ष्मण साहू भी मुफ्त राशन योजना के लाभार्थी हैं। राशन डीलरों की हड़ताल की वजह से इस महीने मुफ्त सरकारी राशन नहीं मिला। घर में जो पड़ा था वो भी खत्म हो गया। मजबूरन
गांव की दुकान से राशन खरीदने की नौबत आई है। दुकानदार जी, चावल दीजिए ना, घर में चावल खत्म हो गया है। 5 केजी दीजिए ना। पाँच? हाँ, कल फिर आकर के ले जाएंगे। बहुत परेशानी बढ़ गया, ये लोग डीलर हो गया, आपका सरकार हो गया, आपस में अपना मांग के लिए लड़ रहा है, बीच में जनता पिसा रहा है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। बड़ बीमारी है, पैसा खर्चा है, हॉस्पिटल में राशन नहीं है, चावल नहीं है, बहुत परेशानी है। मैनेज हो पाएगा तो होगा, नहीं तो भूखमरी में दवा बीरो के चलते आदमी परेशान, लास्ट में भूखा मर जाएगा आदमी। 1 जनवरी से झारखंड के सरकारी राशन डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि राशन पर कमीशन 1 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति किलो किया जाए। डीलर की अगर मृत्यु हो जाए तो अनुकंपा के तहत आश्रित को राशन की दुकान दे दी जाए। कोरोना के दौरान डीलरों का 13 महीने का कमीशन बकाया है, उसे जल्दी दिया जाए। राशन डीलरों ने अपने लिए 30,000 तक न्यूनतम मासिक आय गारंटी देने की भी मांग की है। इसके अलावा 4G सेवा पूरी तरह शुरू ना होने तक ई पास मशीनें तराजू से ना जोड़ने को कहा जाए। ई पास को 2G से 4G में अपग्रेड किया जाए, घटिया ई तराजू को भी बदला जाए। गरीब को इसलिए वंचित का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जब डीलर के परिवार ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वो कार्डधारियों को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे। हमें पर क्विंटल 300 रुपया और 30,000 रुपया मानदेय दिया जाए जिससे कि हमारा भरण पोषण आसानी से हो सके और हम लोग लाभुकों को सही तरीका से अनाज को मुहैया करा सके। हम लोग भी नहीं चाहते कि गरीब आदमी खाली पेट रहे और हम लोग हड़ताल में रहे, लेकिन सरकार को हमारा मांग पर विचार करना चाहिए। जब तक हमारा मांग पर विचार नहीं होगा, हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चलते रहेगा। रांची से लेकर दुमका और धनबाद हो या हजारीबाग, हेमंत सरकार और राशन डीलरों की लड़ाई के चलते हर जिले के सरकारी राशन दुकान पर ताला लगा हुआ है। रसोई में बैठी महिलाओं को डर सता रहा है कि दुकानें नहीं खुली तो पकाएंगे क्या और बच्चों को खिलाएंगे क्या। अनाज कोई अमीर आदमी नहीं लेता है, कोई सक्षम आदमी नहीं लेता है, कोई नौकरी वाला नहीं लेता है, ये गरीब से गरीब लोग लेते हैं। निश्चित रूप से उसको मानदेय देना चाहिए और सरकार से भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो इस पे पहल करें ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे बीपीएल परिवार के लोग हैं तो वो इससे वंचित नहीं रह जाए। राशन दुकानों का ताला कैसे खुलेगा, गरीबों को अनाज सप्लाई कब शुरू होगा, ये झारखंड सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन तो सरकार पर आए संकट को सुलझाने में व्यस्त हैं। सीएम की कुर्सी कैसे बचेगी, हेमंत के पास इसका प्लान तो फुल प्रूफ है, लेकिन राज्य में बंद पड़ी राशन की सरकारी दुकानें कैसे खुलेंगी, इसके लिए कोई कंक्रीट तैयारी फिलहाल नहीं दिख रही। भारत सरकार का पैसा बराबर सही समय पर नहीं आता है, वो भी एक कारण है कि पीडीएस दुकानदार का जो 1 रुपया का जो पर किलोमीटर पर केजी हम लोग देते हैं तो उससे कुछ बढ़ाने की भी हम लोग आगे सोच विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में पीडीएस के दुकानदार को कुछ फायदा हम लोग दे सके। सरकार अभी भी अपनी सरकार बचाने के प्लान ABC पर काम कर रही है, लेकिन जनता के जो निवाले से जुड़ा प्रॉब्लम है उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। निरंकुश हो गई है सरकार, गरीबों के अनाज पर संकट कर रहे, गरीबों के निवाले पर आपने संकट पैदा कर दिया है और इसे भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर ये हड़ताल जल्द खत्म न हुई तो इसका असर बहुत बड़ा हो जाएगा। मुफ्त राशन योजना के लाभार्थी BPL परिवार है जिनके लिए जिंदगी रोज गड्ढा खोदने और पानी पीने जैसी है। सरकार की तरफ से मुफ्त राशन झारखंड जैसे राज्य में गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत है। उस पर भी संकट आ गया तो इन परिवारों के लिए पेट भरने की लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी। केंद्र सरकार का कहना था कि झारखंड में पहले ही पूरा अनाज नहीं बांटा गया, इसीलिए झारखंड के खाद्यान्न कोटे में केंद्र ने कटौती कर दी थी। झारखंड सरकार ने गरीब परिवारों का हवाला दिया और केंद्र सरकार से कटौती ना करने की सिफारिश की। एक तरफ गरीबों के हक के अनाज पर राजनीति हावी है तो दूसरी तरफ राशन डीलर भी दुकानें बंद करके बैठे हैं। भुगत कौन रहा है, पब्लिक? केंद्र सरकार के मुताबिक झारखंड में कुल 60,87,625 राशन कार्ड धारक हैं। ये परिवार राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आते हैं जिनको यानी फ्री राशन मिलता है। झारखंड में 25,400 से ज़्यादा PDS अनाज डीलर्स हैं जो खाद्यान्न
वितरित करने की ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन उनकी हड़ताल से करीब 65 लाख लाभार्थियों के सामने पेट भरने का संकट खड़ा हो गया है। गरीबों की बात हर पार्टी और हर सरकार करती है, लेकिन जिक्र से ज्यादा जरूरी है कि ईमानदारी से गरीबों की फिक्र करें। बीपीएल परिवारों के भोजन के लिए कानून है। केंद्र और राज्य की सभी सरकारें तमाम योजनाएं लागू करती हैं। अनाज के गोदाम भी हमारे भरे पड़े हैं। इसके बावजूद ऐसे परिवारों को राशन ना मिल पाए तो इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। राशन डीलरों की मांग अगर वाजिब है तो झारखंड की सरकार को उनका हल ढूंढना चाहिए और ढूंढना होगा, लेकिन सरकार की पहल प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि किसी भी हालत में गरीब का चूल्हा ठंडा ना पड़े। कोरोना जैसे संकट में भी शायद कोई भूखे पेट नहीं सोया था। हेमंत सोरेन साहब, जागिए आप, और हमारी अपील है आपसे, अगर अपनी सरकार को गरीबों की सरकार बताते हैं तो सबसे पहले उनकी थाली पर मंडरा रहे संकट को सुलझाइए, क्योंकि गरीबों ने ही आपको सत्ता की चाबी दी है। चलिए अब आपको झारखंड के पड़ोस वाले राज्य छत्तीसगढ़ लेकर चलते हैं। यहां नए नवेले मंत्री खुद को अपने सरकारी बंगले से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बंगले में गृह प्रवेश से डर रहे हैं। मंत्रियों को डर क्यों सता रहा है? मंत्री बंगले में क्यों जाना नहीं चाहते? क्या छत्तीसगढ़ के मंत्री अंधविश्वासी हो गए हैं? बंगला नंबर बी 5/5 जेल रोड रायपुर, बंगला नंबर बी 5/10 शंकरनगर और बंगला नंबर D7 D8 शंकरनगर। ये तीनों बंगले अच्छे खासे एरिया में बने हुए हैं। सड़कें भी चौड़ी हैं, पॉश इलाका है, लेकिन छत्तीसगढ़ की नई सरकार के नए नवेले मंत्री इन बंगलों में गृह प्रवेश नहीं करना चाहते, आनाकानी कर रहे हैं। कारण सुनेंगे तो आप माथा पकड़ लेंगे। रायपुर के शंकरनगर का बी 5/10 कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद अकबर को ये बंगला अब खाली करना पड़ेगा। चुनाव हार गए हैं, ये बंगला अब नए मंत्री बने टंकराम को अलॉट हो गया है, लेकिन टंकराम बंगले को अशुभ मान रहे हैं, टेंशन में है, गृह प्रवेश करने पर अड़ गए हैं। इस बंगले में रहकर पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू और राम सेवक पैकरा ने भी चुनाव हारा है। टंकराम वर्मा फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। पूजा पाठ कराने का विचार भी मन में चल रहा है। डर है बंगले में रहे तो कहीं चुनाव ना हार जाएं। पूजा पाठ और टोटके का विचार तो रायपुर के D7 D8 बंगले में भी चल रहा है। लक्ष्मी रजवाड़े ने हाल ही में मंत्री पद की शपथ ली। अभी जश्न ही चल रहा था कि सरकारी बंगले के अलॉटमेंट ने टेंशन बढ़ा दिया। लक्ष्मी सोच रही है कि बंगले में प्रवेश करें या ना करें, क्योंकि यहां रहने वाले पूर्व मंत्री प्रेम साय टेकाम, पूर्व वन मंत्री महेश गगड़ा चुनाव हार गए। अगर जो भी बंगला रहेगा और प्रवेश करने से पहले नई जिम्मेदारी के साथ उसको पूजा पाठ के साथ हम वहां प्रवेश करेंगे, और वहां अगर कोई वास्तु दोष है तो उसे भी ठीक कराने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, कैरियर रहे कहना वही रहता है कि एक बार जहाँ से जहाँ रहते हैं वहाँ के विधायक हारते हैं तो शायद वहाँ नहीं रहना चाहिए, ऐसे बोला जाता है, लेकिन मैं उस चीज को नहीं मानती हूँ। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे रुद्रगुरु का ये बंगला बीजेपी सरकार बनने के बाद नए मंत्री बने दयाल दास बघेल को अलॉट हुआ है, लेकिन मंत्री जी डर रहे हैं। उन्हें लगता है इस बंगले में प्रवेश किया तो अगला चुनाव हार जाएंगे या मंत्री पद ना चला जाए। बंगला मंत्री जी का इंतजार कर रहा है और मंत्री जी बंगला बदलने के मूड में है। दयालदास को ज्यादा डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि इस बंगले में रहते हुए पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर चुनाव हार गए। रुद्रगुरु ने भी हालिया चुनाव इसी बंगले में रहते हारा। जैसे हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा गया है, जो नया बंगला हो या पुराना बंगला मिल रहा है, अलर्ट हो रहा है, मिल रहा है, वास्तु दोष रहता है, तो अपन नए बंगले में जब या पुराने बंगले में शिफ्ट होते हैं या मिलता है हमको, तो उसमें वास्तु पूजा वैदिक मंत्रों के द्वारा करवाना चाहिए, जिससे वास्तु दोष हटता है। ये छत्तीसगढ़ के नए शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हैं।
20 साल से राजनीति में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और हर बार जीत भी रहे हैं। बड़ी बात ये कि पिछले 20 साल से रायपुर में शंकर नगर के इसी B5/1 बंगले में रह रहे हैं, कहीं और शिफ्टी नहीं होते। ये सब चलते रहता है, ये खाली सरकारी थोड़ी है, प्राइवेट निजी लोगों का भी होता है। तो निजी लोग भी घर बदलते हैं कि ये मेरे लिए शुभ नहीं है, अशुभ है, तो ये सामान्य बात है। मुझे लगता है इसमें कोई ये राजनीति नहीं है, ना ही ये सियासत है, ये अपनी मनोभावना है। मंत्री जी ने अपशगुन और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया तो सियासत भी होने लगी। सवाल है कि अपनी हार और हार के डर से बंगलों को मनहूस कहना उचित है? ऐसा माना जा रहा है कि मंत्री जी बकायदा पूजा पाठ कराएंगे और यहाँ पर कुछ टोटका कराएंगे, जो उनके विश्वस्त लोग हैं वो बता रहे हैं, उसके बाद इस बंगले में आएंगे। मतलब कुल मिलाकर राजधानी रायपुर में ऐसे जो बंगले हैं उनमें आने के पहले जो है मंत्री जी कई बार सोचते हैं कि इस बंगले में जाएं या ना जाएं, क्योंकि उनका अगला कैरियर इस बंगले से जुड़ा होता है कि अगले चुनाव में मंत्री जी कहीं चुनाव हार ना जाएं। बात है कि हारे हैं अलग विषय है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति हो जाए ऐसा कहीं लाजमी नहीं है। एक प्रकार का ये कहीं सुनी कयास वाली बात है। कर्म प्रधान में विश्वास रखते हैं, अंधविश्वास पे कोई स्थान नहीं है। ये कोई डर और भय नहीं है, ये हमारा आस्था है। हम लोग सनातनी लोग हैं, उस आस्था के साथ में प्रवेश करेंगे, इसको कोई डर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। किसी बंगला या किसी कार्यालय को मनहूस कहना या किसी कहानी से जोड़ना अनुचित है। किसी भी तरह से बंगले या किसी कार्यालय को दोष देना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ तो बड़ी संख्या में नेता चुनाव हार गए। अब चुनाव हारे हैं तो बंगला भी खाली करना पड़ेगा, लेकिन क्या नए मंत्रियों को बंगले के नाम पर इस तरह अंधविश्वास फैलाना शोभा देता है? अगर आपको याद हो तो देहरादून के सीएम आवास को भी मनहूस माना जाता था। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत इस बंगले में शिफ्ट हुए लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने मनहूस माने जाने वाले बंगले में खुद को शिफ्ट किया और शायद वो मनहूसियत भी खत्म हो गई, वो दूसरी बार सीएम बन गए। यूपी में कहा जाता है कि जो सीएम नोएडा जाएगा वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा। सीएम योगी ने इस भ्रम को तोड़ दिया है ना। कमाल की बातें राजनीति में भी। मंत्री जी अब मुफ्त में हमारी एक सलाह सुन लीजिए, ये मैं छत्तीसगढ़ वालों से कह रहा हूं, ना पुराने मंत्री हारते, ना ये बंगले खाली होते, ना आपकी सरकार बनती और ना आपको नई अलॉटमेंट की चिट्ठी आती। तो आपको तो इन बंगलों को और भी शुभ मानना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको इनमें रहने का मौका मिल रहा है और पिछले मंत्रियों ने जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने का काम नहीं किया, इसीलिए ये बंगले खाली होकर आपके हिस्से में आए हैं। अब आप बंगलों पर नहीं अपने कामों पर गौर कीजिए, आप जनता की सुनिए तो शायद 5 साल बाद कोई इन बंगलों के माथे अपनी नाकामी का ठीकरा नहीं फोड़ेगा या आपको फोड़ने का मौका नहीं आएगा। बात कर लेते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। कल पब्लिक इंटरेस्ट में हमने आपको खबर दिखाई थी, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की पुश्तैनी प्रॉपर्टी की नीलामी होने वाली थी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में डॉन की 4 संपत्तियों की आज नीलामी हुई, बोली लगी लेकिन सिर्फ 2 संपत्तियां ही नीलाम हो पाई। दाऊद के पुश्तैनी बंगले को खरीदने के लिए कोई आगे नहीं आया। ऑनलाइन नीलामी में 2 संपत्तियों की बोली लगी। 170.98 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट के लिए सबसे ज्यादा 2,01,00,000 रुपए की बोली लगी। 1,730 स्क्वायर मीटर का एक और प्लॉट था, उसके लिए सबसे ऊंची बोली लगी सिर्फ 3,28,000 रुपए में। नीलामी में भूपेंद्र भारद्वाज भी शामिल हुए, वो पहले भी दाऊद की प्रॉपर्टीज की नीलामी में शामिल हो चुके हैं। सार्वजनिक नीलामी और ऑनलाइन नीलामी में भूपेंद्र भारद्वाज जीते, जबकि बंद लिफाफे वाले टेंडर में अजय श्रीवास्तव ने ज्यादा बोली लगाकर नीलामी जीत ली। उन 4 प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी में तो किसी ने कोई पार्टिसिपेट किया ही नहीं, जो बाकी की 2 प्रॉपर्टी थी CA003 एंड CA004 में पार्टिसिपेट किया गया, उसमें पब्लिक ऑक्शन में मैं फिर विनर रहा हूँ, बट बैड लक ई ऑक्शन के अंदर भी विनर रहा हूँ, बट जो बैड लक रहा वो टेंडर ऑक्शन के अंदर अजय श्रीवास्तव है, उन्होंने CA003 की प्रॉपर्टी की कीमत लगाई है 2,01,00,000, जो एक मैजिक है, देखते हैं किस तरह पे करते हैं। और सेकेंड वन जो CA004 है उसकी लगाई है 3,28,000।
पब्लिक इंटरेस्ट में अब आपको लेकर चलते हैं यूपी के सुल्तानपुर। यहाँ एक बड़ी चौंकाने वाली बात हुई है, बेटी और पिता की एक साथ नौकरी लगी है। आपको लग रहा होगा कि कमाल ये कैसे हुआ, दोनों ने एक साथ परीक्षा दी और दोनों को एक साथ ही कामयाबी हासिल हुई। ये है रविंद्र त्रिपाठी और ये है उनकी बेटी प्रिया त्रिपाठी। बाप बेटी की ये जोड़ी ऑल इंडिया वायरल है क्योंकि इन दोनों ने एक साथ लेखापाल की परीक्षा पास कर ली। 5 दिन पहले उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी UPSSSC ने लेखापाल भर्ती का रिजल्ट घोषित किया। एक घर से दो सिलेक्शन हुए तो ना सिर्फ परिवार की खुशियां डबल हुई बल्कि ये जोड़ी भी अखबारों की सुर्खियां बन गई। मैंने लेखपाल को प्रेफरेंस दिया और साथ में मेरी लड़की भी थी जो कि मेरे को प्रेरित करती रहती कि पापा पढ़ाई करो और कभी न कभी सफलता जरूर मिलेगी। जितने भी एग्जाम्स के फॉर्म वगैरह अप्लाई करती थी तो मेरे है ना साथ साथ वो भी सारे एग्जाम के फॉर्म अप्लाई करते थे। लेवल का करप्शन है, अगर उसमें है ना योगी जैसे मुख्यमंत्री नहीं होते तो मुझे नहीं लगता है कि आज जो मुझे ये नौकरी मिली है वो मुझे मतलब किसी भी कीमत में नहीं मिल पाती। अब वक्त पब्लिक कमेंट्स का हो गया है। आपने क्या कुछ लिखा है कल के हमारे शो के बारे में, खबरों के बारे में, ये पढ़ लेते हैं। देवराज रॉय क्या कहते हैं, आप अब कोई डरता है क्या ईडी और सीबीआई से? ये नाम लास्ट कुछ सालों में इतना सुना बट कुछ एक्शन नहीं देखा। ये केजरीवाल साहब की जो खबर आई थी उसके ऊपर कमेंट कर रहे थे इसलिए। माही क्या लिखते हैं, अभी तक उसकी जमीन है भारत में, हद है, ये दाऊद की प्रॉपर्टी आज नीलाम हो गई है, दो ही बची हैं अब तो। चलिए, अपना अपना तरीका होता है अपनी अपनी राय व्यक्त करने का। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। ABP News आपको रखे आगे।